अपन वो छोटे छोटे पॉकेट बना देते हैं जिसमें भाई छोटे मोटी चीज़ें डाल दी, हो गया चौड़ा चौड़ा डाल दिया है ना, एक तरफ थोड़ा चौड़ा बना देते हैं जिससे फ्राई पैन आ जाए, लेके यहाँ तक एक एक पॉकेट कर देते हैं। मोज आ गए, मोमोज आ गए अपने, देखो कितनी शानदार चटनी है ना, तो ये यहाँ पर मिलते। तो भाई अज्जू भाई वाले डिफेंडर जयपुर में, अरे भाई अज्जू की नहीं है किसी और की है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। कैसे हो आप, आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो भाई क्या हो गया, आज तैयारी हो रही है किसकी, नई ट्रिप की, और नई ट्रिप कहाँ के लिए आपको जल्दी पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। आने वाले 2 से 3 दिन में मैं निकल रहा हूँ नई ट्रिप पे, और मेरे साथ कौन कौन निकल रहा है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में ही देखने को मिलेगा। अभी हम कर रहे हैं तैयारियाँ बिल्कुल ट्रिप की, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ किचन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर जो किचन के अंदर जो एक खाली कंपार्टमेंट है ना, उसमें मैं कुछ बैग फिट करूँगा ताकि मेरे उसमें यूटेंशियल आ जाए, और वो मैं कस्टमाइज बनवाने के लिए जा रहा हूँ। हमें शॉपिंग वगैरह थोड़ा जो भी हमें एसेंशियल चीज़ें हैं वो परचेज करनी है, ठीक करवानी है, और कपड़े लत्ते आपको पता है ना काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब तैयार करने के लिए मैं निकल गया हूँ। अभी टाइम मेरा तो यही टाइम होता है, आपको पता ही है 1:30 बज रहा है। तो चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या करवाएंगे हम इस किचन में, थोड़ा मॉडिफिकेशन और क्या क्या मैं खरीद रहा हूँ। ये वगैरह प्रेस करवाए, बहुत सारे पड़े तो वो प्रेस करवा लेते हैं, वही पहन लेंगे नए नए, कितने शॉपिंग करें हम, खर्चा पैसा नहीं है भाई, ट्रिप पर भी पैसा लगता है, गाड़ी तेल से चलती है, तेल बहुत महंगा हो रखा है। चलो भाई अपने प्रेस के कपड़े ले लेते हैं, प्रेस के कपड़े ले लेते हैं भाई, प्रेस कर दिया कि नहीं कर दिया, हो गए क्या प्रेस? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल ले लूंगा ना, कर देना। लेकिन भाई हमने तो तैयारियां कर रखी, लेकिन भाई हमारी तैयारियां लोगों की वजह से अटक जाते, देखो हैंड ब्रेक नहीं हटाया मैंने, इस गाड़ी में मोबाइल रखने की जगह नहीं है, तो मेरे पास ये स्पर्टिया जगह होगी, मेरे पास दो दो मोबाइल होते हैं और चश्मा वगैरह, यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती है। तो भाई चलते हैं, एक काम तो नहीं हुआ अपना, कपड़े तो नहीं मिले प्रेस वाले, और अब हमारा जो लैपटॉप है उसमें थोड़ा गड़बड़ है, उसको भी ठीक करवाने चल रहे हैं, लैपटॉप के बाद चलेंगे किचन वाले के पास। टॉमी आ गया भाई, टॉमी टॉमी हट जा क्या भाई टॉमी, आजकल यार ये इस सीजन में टॉमी बड़े घूमते हैं नीचे, डॉगी डॉगी टॉमी, डॉगी बोल देते हैं भाई, टॉमी कुत्ता नहीं बोल सकते। चलो भाई टॉमी का भी ख्याल रखना पड़ता है, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, कि कहीं हम कुत्ता बोल दें लोग हम पर केस कर दें, कुत्ता कैसे बोल दिया भाई, हमें जल्दी है थोड़ा सा जल्दी भाई, हमें जाने दो प्लीज, जाने दो भाई जाने दो। हनीमून पे चलेगी मेरे बट्टे पे तन खूब नचावेंगे भाई, एक तो आपकी फेवरेट कार हो, दूसरा उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हो भाई, मेरी गाड़ी में इतना मतलब मैंने इन्फिनिटी का जो भी सिस्टम लगवाया है ना मेरी पहली पसंद थी भाई, एक इधर से आवाज आती है, एक इधर से ट्यूटर लगे हुए हैं, इतना अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, मजा आता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है, एक एक छन छन की आवाज आती है एकदम, तो जब आप निकलते हो ना तो सारा स्ट्रेस सारा फ्रस्ट्रेशन सब निकाल देती है ये म्यूजिक, आप भी ट्राई करना। भाई आ गए हैं, वो भी करवा के लेते हैं जल्दी से, टाइम क्या हो गया 2 बज गए, जल्दी करा के आ जाते हैं। लो भाई जल्दी से, तो फाइनल लैपटॉप वाला काम तो हो गया अपना, अब चलते हैं सीधा अपना गाड़ी का किचन का काम कराने। ट्रैफिक बड़ा होता है यार मार्केट में, काम करने के लिए जाओ आधा घंटे का टाइम में 1 घंटा लग जाता है भाई, आधा घंटे के चक्कर में नहीं ट्रैफिक के चक्कर में आधा घंटा लगना होता है वहाँ पर, 1 घंटा लग जाता है भाई, मैं क्या ही बोल जाता हूँ कई कई बार। तो हमने क्विड चल रही है ना, इसमें सर वो हैं जो हमारे साथ कैंपिंग करते थे थार वाले, उन्होंने भी अपनी थार में कुछ बैग्स बनवाए थे, तो मैं सोच रहा था कि
इनसे बात करी फिर मैंने, तो वो इनका जो बंदा था जिन इनके बैग बनाए थे तो वो करके दे सकता आराम से जो हमें चाहिए। तो वहीं जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सिटी में अंकल क्यूड लेके आए हैं, बाहर जाएंगे तो थार लेके जाएंगे। अभी नेक्स्ट ट्रिप पर सर के साथ जाने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा। ये एक बार अपन ये इसका नाप ले रहे हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है ना, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो उससे फिर कपड़ा का वो रहेगा, आप चप्पल हल्का सही हो जाएगा, वो अंदर फिट करेगा। एक तरफ तो अपन वो छोटे छोटे पॉकेट बना देते हैं जिसमें भाई छोटे मोटी चीज़ें डाल दी, हो गया चौड़ा चौड़ा डाल दिया ना। एक तरफ थोड़ा चौड़ा बना देते हैं जिसमें फ्राई पैन आ जाए, फ्राई पैन थोड़ा छोटी पॉकेट। हाँ तो वो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही हाँ, एक पॉकेट कर देते हैं। ये अंदर से अंदर है, 29 अपन 29 ही बना रहे हैं। 29 हाइट में जमीन से उगता हुआ, जमीन से टिकाना नहीं है, टिकाना नहीं है। हाँ तो 17-16 रख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस तो बना दो उसमें, पाइपिंग देना पड़ेगा पीछे, नहीं बॉर्डर ये चौड़ाई के। हाँ पॉकेट बनानी पड़ेगी अपने, ऐसा नहीं कि पैक कर दिया, मच्छर जाली दो तरफ खोल लो। समझ गया समझ गया, सही है, गलत है। हाँ वही सही है, मच्छर जाली कर रहे हो आप जो पूरी गाड़ी में। और अब मैं अभी तो ये गाड़ी लेके नहीं आए, वो वाली दिखाएंगे आपको ट्रिप पे। अब 16 को प्लान हो रहा है, 15 को फिर कोई फैमिली आ रही है तो है। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ ना कि मेरे को किचन में ऐसा होना चाहिए कि मेरे जो सामान यूटेंशियल सामने लटके हुए रहें, तो उसके लिए कोई इस तरह का कस्टमाइज्ड बैग बनेगा और वो ये बना के देंगे। वो कह रहे हैं सक्रांत मकर संक्रांति के बाद आप यहाँ आए फ्री टाइम में 2-3 घंटे का लेके, फिर मैं आपके सामने बना के दे दूँगा। वो उससे पहले तो मैं ट्रिप पर जाना भाई, देखते हैं। बिना वैसे भी चल रहा है काम, तो काम तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो जाता वो जाता था। चलो जी अब कुछ सस्ती शॉपिंग करने, भाई जूलियो आ गए सस्ती शॉपिंग, फिर डेकैथलन देखते हैं। कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं काम का मिल रहा, दूसरी जगह देखेंगे। डेकैथलन आ गए हैं भाई, यहाँ पर और देख लेते हैं, वहाँ तो कुछ मिला नहीं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा तो देख लेंगे। कुछ लोवर वगैरह सर्दी वाले वुलन वाले ले लेते हैं, जैकेट वगैरह कुछ। ये सही है भाई, डेकैथलन पर यहाँ पर खेल लो थोड़ी देर, टाइम पास हो जाए बढ़िया। ये वाले यार अपने इन्फ्लेटेड बैग, ये गाड़ी में यार आएगा नहीं, सीट हटानी पड़ेगी। ये वाला अपना स्नो में आई बर्फ में अपन कैंपिंग करते हैं तो ये वाले बहुत ज़रूरत पड़ती है यार, लेकिन हमारे पास अभी ये दो हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार यार। एक ट्राई में ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए यार। यार ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी इतने जगह घेरे की गाड़ी में इतना कहाँ से लेंगे। अपना गाड़ी में सेटअप ही सही है, वही ठीक है। एक ये वाली पतली वाली टेबल है, तो भाई हो गया शॉपिंग, हो गई अपनी छोटी मोटी जो शॉपिंग थी। आज का दिन ऐसे ही निकल गया इधर उधर घूमने में, अब थोड़ी टाइम हो गई भूख का टाइम हो गया। चलते हैं मोमोज खाने। ये देखिए जयपुर की लाइट्स ग्रीन ग्रीन कैसी लग रही है, और इधर जवाहर सर्किल है, अपन चल रहे हैं जीटी गोवर टावर WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वहां पर मोमोज खाएंगे मीठे मीठे मेयोनीज के साथ चटपटी चटनी। ये देख लो लाइट्स, हमारी शीशे साफ नहीं है गाड़ी के। ये व्लॉग डेली व्लॉगिंग की तरह हो गया, बाकी मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करता हूँ भाई। आप लोग बार बार कमेंट में बोलते हो डेली व्लॉगिंग करो, तो मैंने सोचा कुछ ट्राई कर रहे भैया। यहाँ पर जीटी में लगती है शानदार शानदार, मतलब
बढ़िया बढ़िया चीजें मिलते हैं यहाँ पर, मोमोज वगैरह। अभी मोमोज ऑर्डर कर रहे हैं, मोमोज आ गए अपने, मोमोज आ गए, मोमोज आ गए, मोमोज आ गए अपने। देखो कितनी शानदार चटनी है ना, तो ये यहाँ पर मिलते, तब खाएंगे फिर निकलेंगे घर। घर नहीं, बोल गया मैं आपको बताना, अभी 7 बजने वाले हैं और एक मीटिंग में जाना मेरे को, क्लाइंट मीटिंग्स। भाई समापन कर दिया, देख लो भाई इतना शानदार बनता है ना ये, इतना शानदार बनाते हैं ना भाई, पूछो ही मत। अभी स्टीम वाले और ऑर्डर कर रहा हूँ, स्टीम अभी तो मैंने लिए थे डीप फ्राई, अभी स्टीम। मज़ा आ जाता है यहाँ पे खाने के बाद यार, सच में। अपन तो देखो खाने के शौकीन है, या वो पता है, इसलिए गाड़ी में पीछे पूरा किचन सेट है, खाने के लिए सेट है वो, घूमना खाना बढ़िया। ये भी खाली हो गई, और ये भाई मांगने वाले आ गए, तो भाई इस बार ये आ गई है। खा खा के ना मिर्च वाली चटनी, नाक में पानी आ रहा है, लेकिन खाएंगे सारा बस। गाड़ी गंदी हो रही है। तो भाई अज्जू भाई वाले डिफेंडर जयपुर में, अरे भाई अज्जू की नहीं है, किसी और की है, अज्जू की नहीं है, किसी और की है भाई। ओ अभी अज्जू भाई की समझ लो भाई, उन्हीं की डिफेंडर ट्रेंडिंग में है, बाकी तो किसी की और की तो है नहीं। भाई 9 बज गए, मीटिंग भी कंप्लीट हो गई, अब आ गए भाई कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी पी लेते हैं, चलो एक ठंडी या गर्म कॉफ़ी पीते हैं। ये मानसरोवर ऐसा बस ओल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी यही है क्या, चाय की टपरी। आ गई भाई कॉफ़ी, गर्मा गर्म कॉफ़ी, और ये भाई अपने जानकार की है, मानसरोवर में आप लोग आ सकते हैं और कॉफ़ी चाय का आनंद ले सकते हैं, चाय वाले। वैसे गर्म लग रहा था, मस्त बनाई कॉफ़ी यार, मस्त। खाली चलो घर, हो गया टाइम भाई, नो जल्दी पी ली। पूरा मार्केट है, पूरा कॉफ़ी मार्केट, पूरी चाय दी टपरी, अपने जानकार दोस्त भी है, आप आ सकते हैं, बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं यहाँ पर, चाय कॉफ़ी सब कुछ है। और ये अपने सामने खड़ी लाइट ऑन ही करके छोड़ गया था यार मैं तो, वापस कौन ही आता, गलती से गलती हो गई थी, तब कोई नहीं जल्दी आ गए। तो भी फाइनली घर आ गए, अब करते हैं अपने एडिटिंग शुरू, एडिटिंग करते हैं आज। वैसे इस तरह का पहला व्लॉग था ये, और अपना ट्रिप वाले व्लॉग तो आएंगे, या कि ये ऐसे पहला व्लॉग था। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक करो, अगर ऐसे ही देखना चाहते हो और मतलब इससे थोड़ा और आगे, अभी तो कुछ नहीं था, पहला इस तरह का पहला बनाया ना तो अच्छा नहीं था, मुझे पता है। अगर इससे अच्छा मतलब इसी टाइप में देखना चाहते हो तो कमेंट करो, बाकी कमेंट तो आपके आते रहते हैं कि ऐसे बनाओ बनाओ डेली व्लॉगिंग बनाओ। चलिए यार आज का दिन पूरा हैक्टिक था, चलिए व्लॉग को करते हैं एंड, अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी मिलते हैं आपसे नए इसी व्लॉग में।